तो हेलो नमस्कार किशन भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया फार्मिंग ट्यूब पर। किशन भाई, आज बताने वाले हैं हम मिर्ची की ऐसी हाइब्रिड वैरायटी के बारे में जिससे आप बहुत बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। तो किशन भाई, पहले मिर्ची की विशेषता जान लेते हैं कि वो किस टेम्परेचर में लगाई जाती है। किशन भाई, बरसाती सीजन की मैं आपको मिर्ची के बारे में बताने वाला हूँ। किशन भाई, 15 से 35 डिग्री तापमान में आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं, और इससे अगर अधिक तापमान होता है तो मिर्ची की खास बात ये होती है कि इसके पत्ते जो है सूखने लगते हैं, उसके फूल खिल जाते हैं ज्यादा तापमान में। तो किशन भाई, इस वीडियो में पहले नंबर पर हमने रखी है काशी अर्ली वैरायटी। ये सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसकी बात करें पौधे रोपण की तो ये लगभग 45 दिन में प्रथम तुड़ाई पर आ जाती है, और ये अन्य वैरायटियों के मुकाबले में लगभग 10 दिन पहले आपका उत्पादन देना चालू कर देती है। 6 से 8 दिन के अंतराल में इसकी तुड़ाई होते रहती है, और इससे लगभग 10 से 12 बार आप इसकी तुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। किशन भाई, अच्छे से अगर फसल करते हैं तो 12 से 13 14 अब इससे ज्यादा भी तुड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन रहता है। ये मिर्ची अन्य वैरायटी के मुकाबले में सबसे ज्यादा अवधि वाली वैरायटी होती है जो ज्यादा दिन तक चलती है। किशन भाई, दूसरे नंबर पर हमने रखी है MSH 172 वैरायटी। इस किस्म की पौधे की बात करते हैं तो अन्य पौधे के मुकाबले में लंबे पौधे होते हैं और पत्तियां मध्यम आकार की होती हैं, और इसकी मिर्ची 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और पतली गहरी हरे रंग की होती है। किशन भाई, इसकी बात करें तो 50 से 55 दिन में इसकी भी मिर्ची प्रथम तुड़ाई पर आ जाती है, और बात करें इसके उत्पादन की तो 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन रहता है। सूखी मिर्ची ना लेकर हरी मिर्ची लेंगे इस वैरायटी से तो सबसे बढ़िया उत्पादन रहेगा। किशन भाई, तीसरे नंबर पर हमने रखी है जैस्मिनी वैरायटी। इसकी फलियां मध्यम आकार की होती हैं और गहरे हरे रंग की होती हैं। फल सीधे नुकीले होते हैं और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और इसकी किशन भाई प्रथम तुड़ाई की बात करते हैं तो 75 दिन बाद ये तुड़ाई पर आ जाती है, और इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन रहता है। हरे फल के उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी रहेगी, और बात करते हैं इसकी तुड़ाई की तो लगभग 10 से 12 बार इसकी आप तुड़ाई कर सकते हैं। किशन भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।